हेलो स्टूडेंट्स, अलजिब्रा 1.4 का थर्ड सम हमारा रह गया था। ठीक है, थर्ड सम हम करते हैं। थर्ड सम का क्वेश्चन है 27 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल्स 85। और दूसरा इक्वेशन 31 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 27 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल्स 89। सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया 27 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल्स 85। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। 31 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 27 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल्स 89, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। यहां पर भी हमारा डिनोमिनेटर को चेक करोगे तो एक्स माइनस 2 और यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस 3, इस इक्वेशन में भी सेम एक्स माइनस 2 है। Here we have x minus 2 in the denominator. Here also we have x minus 2 in the denominator. In this equation, y plus 3 is in the denominator. Here also we have y plus 3 in the denominator. Isn't it? So, ye dono equations ke andar kuch terms same hai. That is here 1, 27 into 1. As I told so, pehle aapko jaisa bataya maine. 1 upon x minus 2. Yahan par 1 upon x minus 2. यहां पर है हमारे पास 1 अपॉन y प्लस 3, यहां पर भी 1 अपॉन y प्लस 3। 1 क्यों मैं बता रही हूं, मैं 27 को बाजू में हटाने के बाद बता रही हूं। यहां पे 1 अपॉन x माइनस 2 तब भी बता रही हूं मैं जब 27 को सेपरेट कर रहे और 31 को सेपरेट करके हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हम ये जो 1 अपॉन x माइनस 2 और ये 1 अपॉन y प्लस 2 है उसे a और b मान लेते हैं। सो लेट 1 upon x minus 2 equals a and 1 upon y plus 3 equals b. ऐसा हमने assume किया. Okay, 1 upon a जहां पर भी होगा वहां पर, sorry, 1 upon x minus 2 जहां पर भी होगा वहां पर ये डालेंगे और 1 upon y plus 3 जहां पर भी होंगे वहां पर b डालेंगे. तो हमारे साथ क्या था, 27 into 1 upon x minus 2 था. तो 27 लिखा और 1 अपॉन x माइनस 2 के लिए a प्लस 31 1 अपॉन y प्लस 3 के लिए b, तो हमें मिला 27 a प्लस 31 b इक्वल्स 85। और दूसरे में था 31 अपॉन x माइनस 2 था, तो 31 और 1 अपॉन x माइनस 2 को सेपरेट किया, 31 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 था तो उसको हमने 31 इंटू a किया, 31 a, और इसी तरह 27b इक्वल्स 89। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा थर्ड में कन्वर्ट हुआ, सेकंड इक्वेशन हमारा फोर्थ इक्वेशन में कन्वर्ट किया हमने। अब यहां पर इसको चेक करेंगे तो ये वो केस है जहां पर अदली बदली होते हैं नंबर। देखो, इसका a का कोएफिशिएंट यहाँ पे b पे चले गया है, b का कोएफिशिएंट यहाँ पर a पे चले गया है, बराबर इंटरचेंजिंग द नंबर्स है यहाँ पर। जब इंटरचेंजिंग द नंबर होता है तो हम क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए नहीं बैठेंगे, हम सीधा ऐड करेंगे। हमारा पांच स्टेप है, उसके बाद एडिशन और उसके बाद डिवाइड करके उसको रिड्यूस करना, एडिशन रिडक्शन, रिडक्शन यानी छोटा करना, देन सब्ट्रैक्शन, फिर रिडक्शन, देन एडिशन। पांच स्टेप हमारा जब अदली बदली हो नंबर का, यानी इंटरचेंजिंग द कोएफिशिएंट्स। व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर इंटरचेंज्ड we have five steps to solve the sums: addition, reduction, subtraction, reduction, addition. तो इसे हमें एक variable मिल जाता है, okay? तो first step हमारा addition. तो adding equation third and fourth. adding equation third ये fourth ये. third equation 27a plus 31b equals 85 और 31a plus 27b equals 89. तभी हमें मिला, देखो 7 प्लस 1 होता है 8, 2 प्लस 3 5, 58 a, दोनों पॉजिटिव है इसके लिए ऐड किया। यहां पर भी दोनों पॉजिटिव है, हमने ऐड करके बड़े का साइन डाला, सेम नंबर से 58 b इक्वल्स, इसको ऐड करेंगे तो 9 प्लस 5 14, 1 कैरी 88, 16 और 174। हमें मिला 58 a प्लस 58 b इक्वल्स 174। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 58, क्योंकि ये भी 58 में जाता है, ये भी 58 में जाता है और ये नंबर भी 58 में जाता है। ये कितना बार 58 में जाता है हम कटिंग करके देखते हैं।
58 और 174 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं. 2 2 जा 4 1 बचा 18, 2 9 जा 18. यहां पर 2 8 जा 16, 17 में से 16 गया, एक बचा हुआ यहां पे डाला तो 14, 2 7 जा 14. अब हमारे पास 29 आया है और 87. 29 इज अ प्राइम नंबर, तो ये और छोटे कोई टेबल में नहीं जाता, तो हमें डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा 29 में 87 का बात है. इस ये 29 का टेबल तो इतना आसानी से आपको नहीं पता होगा, एटलीस्ट 9 का टेबल तो मालूम होगा. 9 का टेबल काउंट कर लेते हैं. 9 का टेबल में ये लास्ट, इसका लास्ट और इसका लास्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं. 9 का टेबल में कभी 7 एंड में आने वाला कोई नंबर है क्या? 9 वन जर 9 होता है, 9 टू जर 18, 18 में एंड में क्या आता है? 18 में एंड में 8 आता है, हमें 7 एंड में आने वाला नंबर चाहिए. तो 9 वन जर 9 नहीं है, 9 टू जर 18 भी नहीं आएगा यहाँ पर, 9 थ्री जर 27 एंड में क्या आया? 7. तो हम ये ट्राई कर सकता है कि 9 थ्री जर 27 है तो शायद 29 थ्री जर 87 हो सकता है. अगर 9 थ्री जर 27 है तो लास्ट में 7 बराबर, तो इसी तरह 29 थ्री जर शायद क्या हो सकता है? 87. वी आर जस्ट गेसिंग है. सो ऐसा जब जो हम गेस करते हैं ऑलमोस्ट तो कभी राइट ही होता है, तो चेक कर लेते हैं कि 29 इंटू 3 29 थ्री जर 87 होता है या नहीं. 29 थ्री जा करके देखते हैं. 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, मिल गया 29 थ्री जा 87. तो हम क्या करेंगे? 29 1 जा 29, 29 थ्री जा 87. तो ये पूरा काटने पे हमें क्या मिला है? 3. यानी 174 को 58 से डिवाइड करने पर इसके जगह में हमें मिलेगा 3. ओके और ये जो 58A और 58B है उसको अगर 58 से काटोगे तो 58 चला जाएगा, ये 58 भी चला जाएगा. हमारे पास A और B और यहां पर 3, A प्लस बी इक्वल्स 3 बचेगा. वही जो हमने अभी किया था उसको आगे देखो, इस तरह लिखेंगे हम, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 58, यानी जो मिले थे हमको 58A प्लस 58B इज इक्वल टू 174 को 58 से हम डिवाइड कर रहे हैं. डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 58 वी गेट A प्लस बी इक्वल्स 3. तो हमारा ऑलरेडी 4 इक्वेशन हो गया था हमारा सम के अंदर, तो ये इक्वेशन को 5th इक्वेशन. अभी हमें फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया बराबर, जो इंटरचेंजिंग नंबर कोएफिशिएंट्स में हम 5 स्टेप्स करेंगे. बोले फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन यानी डिवीजन, एडिशन डिवीजन बराबर, वो दोनों हो गया. अभी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बचा है. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4. 3 को 4 से क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि 3 में ए का टर्म देखो दोनों में. ओके ए का टर्म में हम वापस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में चले जाते हैं, देखते हैं उधर क्या है, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए हमें. ये हमारा थर्ड इक्वेशन और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन, हमें अभी इसका सब्ट्रैक्शन करना है. अगर हम 3 को ऊपर रखेंगे और फोर्थ इक्वेशन नीचे रखेंगे तो 27A माइनस 31A होगा. सब्ट्रैक्शन करने पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे बराबर. तो यहाँ पर माइनस करने पे 31A का साइन नेगेटिव हो गया और इसका साइन तो पॉजिटिव है. पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे तो क्या होएगा? हमको सब्ट्रैक्शन करना है. ओके सब्ट्रैक्शन किया, हमें नंबर भी मिल गया. ओके हमें नंबर 4 मिल गया, 31 में से 27 माइनस करके 4. लेकिन इन दोनों में बड़े का साइन, अभी हमने सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया, इसको माइनस किया होगा तो बड़े का साइन नेगेटिव हो गया. हमारा स्टार्टिंग का टर्म ए जो है उसका आंसर हमें माइनस 4A मिलेगा, यानी स्टार्टिंग में ही नेगेटिव 4A अच्छा नहीं लगता. इसके लिए हम क्या करते हैं, बेटर होगा थर्ड इक्वेशन को नीचे और फोर्थ इक्वेशन को ऊपर लिखो, यानी बड़ा वाला नंबर को ऊपर लिखो, 31 को ऊपर लिखो, 27 नीचे आएगा तो क्या होगा, 27 को माइनस साइन गिरेगा. 27 को माइनस साइन गिरेंगे तो 31 पॉजिटिव ही रहेगा. कैलकुलेशन करने पे 4 आंसर है लेकिन बड़े का साइन तभी पॉजिटिव रहेगा, तो हमारा स्टार्टिंग में A का साइन जो है पॉजिटिव रहेगा तो अच्छा लगता है. यानी स्टार्टिंग में हमेशा ट्राई करना है नेगेटिव साइन नहीं आए, आने पे कोई दिक्कत नहीं है, हम सम तो सोल्व करेंगे सेम आंसर ही मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं रखते हैं. तो स्टार्टिंग में हो सके तो पॉजिटिव ही बनाए रखना बेटर रहता है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को ऊपर, थर्ड इक्वेशन को नीचे, यानी सब्ट्रैक्टिंग थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ.
तीसरा इक्वेशन को फोर्थ में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, 31A ये फोर्थ इक्वेशन है, फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन का नंबर हम डालते हैं वो ऊपर लिखते हैं, ओके okay? ये थर्ड फोर्थ इक्वेशन है 31A प्लस 27B इक्वल टू 89, और ये थर्ड इक्वेशन है 27A प्लस 31B इक्वल्स 85, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, सेकंड जो इक्वेशन है उसका सब साइन को हमें चेंज करना है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव किया, पॉजिटिव था नेगेटिव किया, अभी यहाँ पे अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 31 में से 27 गया 4, बड़े का साइन पॉजिटिव, इसलिए हमने 31 को ऊपर किया था, बराबर हमको इधर पॉजिटिव मिले, अगर ये ऊपर होता 31 नीचे होता तो 31 का साइन नेगेटिव हो जाता और हमारा 4 है नेगेटिव होता, क्लियर। अभी 27B और ये नेगेटिव 31B, अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्शन किया 4B मिला 4B, और ये बड़े का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव इधर डाला, और यहाँ पर भी सेम अलग अलग साइन से अलग अलग साइन है, तो सब्ट्रैक्ट किया 4, बड़े का साइन पॉजिटिव 89 पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव साइन इधर डाला, तो हमें मिला 4A माइनस 4B इज इक्वल टू 4। ईच टर्म कैन बी डिवाइड बाय 4, हर एक टर्म अभी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4, हर एक टर्म को 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, वी गेट ये 4 से 4 को 4 से कट करेंगे तो a बचा, यहां पर भी 4 से 4 को कट कर दिया b बचा इक्वल्स, यहां पर भी 4 को 4 कट करेंगे तो ऊपर नीचे सेम है, तो फ्रैक्शन में 1 मिलता है, फ्रैक्शन का सम्स जहां पे किए मैंने बताया था, ऊपर और नीचे सेम मतलब न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स बोथ आर सेम, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम द वैल्यू विल बी 1, तो a माइनस b इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन 6। तो हमारे पास इक्वेशन 5 मिला है a प्लस बी इक्वल्स 3, और इक्वेशन 6 मिला है a माइनस बी इक्वल्स 1। तो अभी हमारा कितना स्टेप्स हो गया, 4 स्टेप्स हो गए, बराबर एडिशन डिविजन सब्ट्रैक्शन डिविजन, अभी वापस एडिशन, ओके। तो हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा लिखा एडिंग इक्वेशंस 5 एंड 6, इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6 को हम ऐड करेंगे, तो इक्वेशन 5th था a प्लस बी इक्वल टू 3, इक्वेशन 6 है a माइनस बी इक्वल टू 1, a और a बोथ आर पॉजिटिव, ऐड करेंगे तो 2a, क्यों 2a है, यहां पर 1 और यहां पर 1a है, तो 1a और 1a हो गया 2a, और प्लस बी माइनस बी कैंसल इक्वल्स 3 प्लस 1 4, तो 2a इक्वल्स 4 हमें मिला, उसमें से a को यहां पर रखा 4, ये जाएंगे तो अपॉन 2, a इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू कट करो 2 जा a इज इक्वल टू 2, इस तरह हमें a का वैल्यू मिला जो हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा नहीं है, हमको ये a का वैल्यू से अभी b फाइंड आउट करना है, b फाइंड आउट करने के बाद a और b का रियल वैल्यू क्या था हमको वो सब्स्टिट्यूट भी करना है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर x और y में मिलेगा, वो हमारा क्वेश्चन था, ओके okay, तो हमें अभी a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमारा 5th इक्वेशन है और ये हमारा 6th इक्वेशन है, बराबर, तो हम 5th इक्वेशन में डाल देते हैं, उधर प्लस है ना, और ए है बी है सिंबल वेरिएबल्स है और प्लस साइन भी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू अभी इक्वेशन 5th में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके okay? ए का वैल्यू हमें मिला था 2, तो सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5th, तो इक्वेशन 5th क्या था, a प्लस बी इक्वल्स 3 था, a प्लस बी इक्वल्स 3 को 3 के अंदर a का जगह में हमने 2 डाला, 2 प्लस बी, a प्लस बी, 2 प्लस बी इक्वल्स 3, b यहां पे लेफ्ट में इक्वल्स 3 और ये प्लस 2 माइनस 2 बन गया 3 माइनस 2, b में से b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2 हो गया 1, b का वैल्यू हमें मिला 1, तो a का भी वैल्यू हो गया b का भी वैल्यू हो गया, अब हमारा काम है a का रियलिटी में क्या था वैल्यू, हमने किसको a बनाए थे और किसको b बनाए थे, हमने a बनाए थे 1 अपॉन x माइनस 2 को और b बनाए थे 1 अपॉन y प्लस 3 को, तो
तो वो जो हमने सब्सटीट्यूट किया था उसको रीसब्स्टिट्यूट करना है उल्टा, यानी हम पहले लिखे थे 1/(x-2) को चलो ये मानते हैं, 1/(y+3) को चलो बी मानते हैं, तो अभी हम बोलेंगे जो ए का असली वैल्यू हम वापस दे देते हैं, तो ए जहां पर भी है वहां पे हम 1/(x-2) डालेंगे, बी जहां पर भी है 1/(y+3) डालेंगे। तो हमारे पास हमने इधर बॉक्स में लिख के रखा है ऑलरेडी ए इज इक्वल टू 2, तो a के बदले में वो जगह में हम क्या डालेंगे 1/(x-2), तो a के बदले में क्या डाले 1/(x-2) = 2, और b के बदले में हम क्या डालेंगे 1/(y+3), तो ये b के जगह में 1/(y+3) = 1। तो इस तरह हमारा सब्स्टिट्यूशन होकर हमें ये मिला, a के बदले में 1/(x-2) = के बाद 2, b के बदले में 1/(y+3) और उसका वैल्यू है 1। ओके, अब हम 1/(x-2) और 1/(y+3) डालने के बाद कुछ इस तरह हमें मिला। ओके, अभी भी ये नॉर्मल कोई इक्वेशन नहीं है, सब अपॉन पड़ा हुआ है, तो अभी इसमें से हमें x और y को निकालना है। इसके अंदर पूरे देखो, ये पूरे सेक्शन में x है, ये पूरे सेक्शन में y है, तो इसमें से पता चले ये वाला सोल्व करोगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, ये वाला सोल्व करोगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। तो अब ये सॉल्यूशन किस तरह करना है, ये 2 के नीचे आप जानते हैं 1 होता है, मतलब कोई भी नंबर जो नॉर्मल नंबर है, जो काउंटिंग नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 या पूरे इंटीजर्स क्या होता है, 0 होता है उसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा अनगिनत नंबर होते हैं, और -1, -2, -3, -4 ऐसा अनगिनत नंबर होता है, यानी कि इंटीजर्स बोलेगा तो ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स अलोंग विद 0, उसको इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर, हर एक इंटीजर के नीचे 1 डिनोमिनेटर होता है जो लिखते नहीं है, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 है, हम जस्ट आपको समझने के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ 1। ओके, अपॉन 1, तो अभी इस इक्वल टू बीच में यहाँ पर एक अपॉन, इधर एक अपॉन, और बीच में इक्वल, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 × 1 हो गया 1, 2 × ये करना पड़ेगा हमें, तो 2 × x-2 वो हमने लिखा 2 × इधर इंटू है 2 × x-2, हमने ऐसा वाला इंटू वाला मतलब क्रॉस वाला इंटू इधर क्यों नहीं डाला, क्योंकि इधर 2 टर्म है तो क्रॉस वाला इंटू डाल नहीं सकते, क्रॉस वाला इंटू अगर डालेंगे तो कुछ इस तरह वो दिखेगा। देखो ये 2 टर्म्स है यहाँ पर, बराबर है, ये 2 टर्म एक साथ है, x-2 एक साथ जुड़े हैं, तो उसके साथ अगर 2 × करना है तो हमें ब्रैकेट वाला इंटू करना पड़ेगा 2 × x-2, अगर हमने ये क्रॉस वाला इंटू किया तो 2 × x अलग हो जाएगा, -2 का कोई मतलब इसमें नहीं रहेगा, 2 के साथ इंटू नहीं आएगा, तो जब 2 टर्म्स, 2 से ज्यादा टर्म एक साथ हो तो इंटू करने के लिए ब्रैकेट हमें इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये हमने लिखा 2 × x-2 = 1, 1 = 1। अभी इसको ही मैं सोल्व करते आगे जा रही हूं, यहाँ पर इंटू है तो 2 के साथ इंटू इधर भी करना है, देखो ब्रैकेट वाला इंटू का मतलब होता है ये बाहर जो है वो दोनों के साथ इंटू करना होता है, 2 × x-2 × 2, 2 × x हो गया 2x, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 = 4, कैलकुलेशन ध्यान देना, 2 × x 2x प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 = 4 = 1। अभी 2x-4 = 1 मिला, 2x यहाँ रखा = 1, ये -4 उधर गया +4, 2x = 1 + 4 = 5, तो 2x का वैल्यू हमें 5 मिला, और इसमें से हम अभी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और कट करने के लिए x इधर रखा 5 को यहाँ पे, 2 को इधर ले गया, कट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 और 5 कोई सेम टेबल में जाता ही नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया x का, ठीक है, x = 5/2। अभी y का करना बाकी है, तो y कहां से मिलते हैं हमको, दूसरे इक्वेशन में से, यहां पर y का थोड़ा और आसान है क्योंकि यहां पे कोई नंबर्स नहीं है, अपॉन के नीचे कोई नंबर्स नहीं है, बराबर, मतलब यहां पर कुछ बड़े नंबर नहीं है, जैसे यहां पे 2, यहां पे 2 था, इधर 1 है, इधर 1 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 के नीचे 1 होता है, 1 × 1 = 1, और ये 1 के साथ ये इंटू करो, 1 के साथ कोई भी नंबर इंटू करो तो क्या है, वो नंबर चेंज नहीं होता, तो 1 के साथ y+3 इंटू करने पे y+3, यहाँ पे 2 था इसके लिए हमको और एक स्टेप बढ़ गया हमारा, तो 1 × y+3 = ये 1 × 1 = 1,
ओके तो y प्लस थ्री इक्वल टू वन है, y इक्वल टू वन यहाँ पर रखा, प्लस थ्री वहां पे गया तो माइनस थ्री, y इक्वल्स वन माइनस थ्री होता है नेगेटिव टू, क्योंकि छोटे से बड़ा तो हम नेगेटिव साइन डालते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो y का वैल्यू मिल गया माइनस टू, तो x मिल गया फाइव अपॉन टू और y मिल गया माइनस टू, सो दिस वॉज द फाइनल आंसर। तो अभी फाइनल आंसर उठाकर लिखना है वरना आपका मार्क्स कट सकता है। ये देखो फाइनल आंसर इधर रखा है, एक्स फाइव इक्वल्स फाइव बाई टू माइनस टू इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। होप यू अंडरस्टूड दिस सम। सो विद द नेक्स्ट सम वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।